हे गाइस, मैं हूँ सुजीत और आप लोग देख रहे हैं एसपी इंडियन गेमिंग। सो गाइस, मैं ऐसे ही बैठा हुआ था और मैं कंटेंट के बारे में सोच रहा था, फिर मुझे याद आया कि 2021 जो है ख़त्म होने वाला है। लिटरली गाइस, ये साल जो इतना तेज बीत गया ना गाइस, पता ही नहीं चला। सो इसीलिए हम कुछ फ्री फायर की, मतलब ये साल के फ्री फायर की पूरी मेमोरीज को याद करेंगे और 2022 को वेलकम करेंगे और होप करेंगे कि फ्री फायर में और भी अच्छे अच्छे इवेंट्स आते रहे और हमारा चैनल बहुत तेज से ग्रो हो जाए। और इसके लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और वो कैसे होगा, वीडियो को लाइक करके, और चैनल पे नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके, और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करके अपने ढेर सारे दोस्तों को शेयर करके। सो गाइस, फ्री फायर ने जो 2021 में 1 बिलियन प्लस डाउनलोड्स कंप्लीट किए थे यही साल, और 2021 मतलब यही साल में गरीना ने जो फ्री फायर इंडिया ऑफिशियल जो चैनल है उस पर 1.8 मिलियन की लाइव वॉचिंग आई थी गाइस। ये दोनों ही रिकॉर्ड्स बहुत ही अमेजिंग है, और ये दोनों ही रिकॉर्ड्स फ्री फायर के नाम है। शायद ही कोई चैनल होगा जिसपे 1.8 मिलियन की वॉचिंग आई थी, यानी 18 लाख। और गाइज, आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, यही साल गरीना ने जो है सबसे बड़ा कोलैबोरेशन किया था, जो कि है कोबरा कोलैबोरेशन। सो अब गाइज, ज़्यादा सस्पेंस ना बनाते हुए बढ़ते हैं गाइज, जनवरी में फ्री फायर में क्या एवोल्यूशन हुआ था। सो गाइज, जनवरी में जो है गरीना ने अपना एक नया मैप मैदान में उतारा था, जो कि है गाइस बरमूडा रिमास्टर्ड मैप। अब गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, फ्री फायर का जो सबसे बड़ा कोलैबोरेशन कोबरा कोलैबोरेशन, वो फेब मंथ में था, और उस मंथ में हमको ढेर सारे यूनिक और नए नए, ढेर सारे तो नहीं, एक यूनिक बंडल और बहुत ही अच्छे अच्छे फ्री के रिवॉर्ड्स मिले थे। और गाइस, ये मंथ था फेब्रुअरी का मंथ, और फिर उसके बाद गाइस मार्च और अप्रैल में ज़्यादा कुछ खास तो हुआ नहीं, बस एक मिस्ट्री शॉप आया था बस, और कुछ था नहीं खास। अब आया मई मंथ में तो गाइस फ्री फायर में पूरा, मतलब मई मंथ में जो था FF वर्ल्ड सीरीज था, फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज। हालांकि उसमें इंडिया ने क्वालिफाई तो कर लिया था, पर उस टाइम पे जो कोविड जो था, सेकेंड वेरिएंट, बहुत ही मतलब इंडिया में लॉकडाउन हो गया था, जिस कारण कोई भी कहीं भी नहीं जा सकता था, और इंडिया को चांस नहीं मिला सिंगापुर जाने का। और ये FF वर्ल्ड सीरीज जो है फिनिक्स फोर्स नाम की टीम जीती थी। और फिर गाइस आया जून मंथ, जिसमें रैम्पेज जो था, रैम्पेज 3.0 आया। और फिर गाइस 3.0 रैम्पेज के इवेंट में सारे जो रैम्पेज 1, रैम्पेज 2 ये सब के बंडल्स थे, सभी को रिटर्न में ला दिया। और ये गाइस, ये जो रैम्पेज इवेंट था बहुत ही ओपी था, हमको एक और नया बंडल जो है फ्री में मिल गया था, और वो भी बहुत ही ओपी बंडल है। फिर गाइस आ गया जुलाई मंथ, और जुलाई मंथ भी जुलाई की तरह ठंडे में निकल गया, एकदम फ्री फायर भी ठंडे में निकल गया जुलाई मंथ, कुछ खास हुआ नहीं। और फिर उसके बाद गाइस आया अगस्त मंथ, जहाँ पे फ्री फायर ने जो है 4 साल कंप्लीट कर लिए थे, और बहुत सारी लीक्स भी निकल के आ रही थी कि इस मंथ जो है 50% ऑफ स्टोर में आ सकता है, पर गाइस आया नहीं, और फ्री फायर ने 4 साल पूरे कंप्लीट कर लिए उसके। और हम सब होप करते हैं कि और भी बहुत सारे साल ऐसे ही निकल जाए फ्री फायर के, और हम सब मज़े से उसे खेलते रहे, और आप लोग मेरी वीडियोस को देखते रहो। और फिर गाइस अगस्त मंथ ख़त्म होते होते आज सितंबर मंथ, और गाइस सितंबर मंथ में जो है इलीट मोको आई, जैसे कि होता है ना इलाइट है तो इलाइट कैली, वैसे ही इलीट मोको आई। और फिर उसके बाद गाइस फ्री फायर का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, जिस पर फ्री फायर बहुत टाइम से काम कर रहा था, गरीना फ्री फायर मैक्स, वो भी यही मंथ में लॉन्च हुआ था एंडिंग में। और फिर गाइस अक्टूबर मंथ में इतना कुछ खास हुआ नहीं, अक्टूबर मंथ ऐसे ही ठंडे में निकल गया। और फिर उसके बाद गाइस आया नवंबर मंथ, नवंबर मंथ में एक और नया इवेंट आया, जो कि था गाइस बोया गो इवेंट, यही नाम था शायद इस इवेंट का। और नवंबर मंथ में तुम्हारे भाई का जो बर्थडे भी आता है,
और फैमिली में मेरी बहन का, मेरे भाई, मेरी बहन का और मेरे पापा का दोनों का ही नवंबर मंथ में बर्थडे आता है। फिर उसके बाद गाइज नवंबर मंथ में जो एक और बंडल आया वही बोया इवेंट में, जो कि कोबरा बंडल का सेम टू सेम कॉपी था, जो कि कलर चेंज करता था, दिखने में बस अलग था, बाकी उन दोनों की एबिलिटी या फिर बोल सकते हो उन दोनों का जो सब कुछ सेम ही था। फिर उसके बाद गाइज आ गया हमारा दिसंबर मंथ, जहाँ पे अभी चल रहा है विंटर इवेंट। और गाइज दिसंबर मंथ में ही तुम्हारे भाई ने जो है 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं, और होप करेंगे कि अगले साल तक जनवरी या फिर फरवरी के मंथ में ही हो जाए 300 सब्सक्राइबर्स, तो सब्सक्राइब कर देना गाइज। और फिर उसके बाद गाइज विंटर इवेंट में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, और होप करते हैं अगले मंथ भी या फिर अगले साल भी कुछ अच्छे अच्छे इवेंट्स आए। और आप लोगों को एडवांस में ही हैप्पी न्यू ईयर, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।